नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुबन खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक केस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे अचूक नुस्खे की जिसका कि जो इंग्रेडिएंट है, जिसके वो बनाने के लिए जो सामान की आवश्यकता है, वो आपकी तिजोरी में रखी हुई है। बहुत सी चीज़ें जीवन में होता है साथियों, मैं आपको बताऊं, हो सकता है आपको लगे मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ या बड़ा बोले दे रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है। आज हम एक मुकाम पे हैं तब भी हम इन बातों को सोचते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग खरीदते हैं, उनको रखते हैं, लेकिन उसका उपभोग कभी नहीं कर पाते। किन्हीं चीज़ों को हम लॉकर में रखते हैं, किन्हीं चीज़ों को हम कहीं संभाल के कोने में रखते हैं, अपने घर की अलमारी में रखते हैं, जगह जगह रखते हैं, लेकिन हम उनका उपभोग नहीं कर पाते। ऐसी वस्तुएं वास्तव में आप सोच के देखिए हमारे किस काम की हैं, जिसका हम इस्तेमाल ना कर पाए, फिर भी हम उसको संजोते हैं। आज हम आपको साथियों बताएंगे उन्हीं वस्तुओं में से जो आपने संजो के रखी हैं, एक ऐसी चीज जिसका आप इस्तेमाल करके अपने शरीर को लाभ दे सकते हैं। इस वस्तु के इस्तेमाल से इस वस्तु की हानि आपकी नहीं होगी, एक मिलीग्राम की भी हानि आपकी नहीं होगी, एक मिलीग्राम भी आपका सामान खर्च नहीं होगा 10 साल में। लेकिन इसके जो फायदे होंगे, ये आपके शरीर की जो आज की स्थिति है उसको 100 गुना बेहतर करने में समर्थ फायदे होंगे टोटल, चाहे वो स्किन रेडियंस हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपके शरीर की कंडक्टिविटी हो, चाहे आपके शरीर की ऊर्जा हो, आदि आदि। बहुत अचूक नुस्खा है साथियों, बताते हैं आपको एक अद्भुत नुस्खा जो आपकी तिजोरियों में बंद है। और आज अगर आप हमें कुछ मानते हैं, एक अच्छा साथी अपना मानते हैं, तो इस अपनी तिजोरी को निकाल के इस नुस्खे को जरूर आजमाइएगा। आपको साथियों कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको एक भगोना पानी लेना है। अगर वो तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, कॉपर का अगर होता है तो बहुत अच्छा है, कॉपर का वेसल नहीं है तो अपना जो स्टील का है वही आपको वो भगोना पानी यानी कि 1 लीटर पानी बॉईल कर लेना है। बॉईल करते वक्त आपको उसमें 2 चीज़ें डालनी हैं। पहली चीज़ आपको डालनी है आपकी तिजोरी की जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोना, और दूसरा चांदी। तो अगर आपके पास सोने की कोई ठोस चीज रखी है, कोई बिस्किट टाइप, कोई प्लेट टाइप रखा है, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक सोने की बिस्किट ला सकते हैं, छोटा वाला पतला वाला, मेरा ख्याल सोना इस समय थोड़ा महंगा है, लेकिन फिर भी आपको वो मिल जाएगा, आपकी तिजोरी में रखा हुआ है हमको पता है। तो आपको वो सोने का बिस्किट लेना है गोल्ड का, और उसको एक चांदी की चेन से बांध के उस भगोने में उसको लटका देना है या बांध देना है, ताकि आपका जो गोल्ड है, आपकी मेहनत का, जो आपने किसी ने अपने परिवार की शादी के लिए, किसी ने बच्चों की शादी के लिए, किसी ने किसी चीज़ के लिए ख़रीदा होगा, तो आपको एक यह जो सोने का सिक्का है इसको चांदी की चेन से बांध के भगोने के साइड में लटका देना है, और इस पानी को आधा घंटा उबाल लेना है। जब यह पानी की संख्या क्वांटिटी आधी रह जाए तब आपको इसको उतार लेना है, इसको ठंडा कर लेना है, और इस पानी को आपको अपने पीने में दिन में 1 टाइम इस्तेमाल करना है। यह पानी में कहा जाता है आयुर्वेद में, मैं बहुत बड़ा आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ जानकारी हमने इकट्ठा करी है उसके हिसाब से आयुर्वेद में इसको कहा जाता है स्वर्ण सिद्ध जल। स्वर्ण सिद्ध कर दिया है यानी कि स्वर्ण की, सोने की इसमें प्रॉपर्टीज आ गई हैं, गोल्ड की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। गोल्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है चमक, शाइन। गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी। और मैं आपको बताऊं साथियों, इस समय लगभग जितने मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वह जो है गोल्ड के ही प्लेटिंग से बन रहे हैं। चाहे वो जो आपके हार्ट में किसी के दिक्कत होती तो पेसमेकर लगता है, पेसमेकर के तार गोल्ड के होते हैं। क्रायोथेरेपी करके जो थेरेपी दी जाती है उसमें गोल्ड यूज़ होता है। जितनी किट्स अब आ रही हैं, टेस्टिंग की किट्स आ रही हैं, जो हाई एंड किट्स होती हैं, उसमें गोल्ड इस्तेमाल होता है। प्रोस्टेट के कैंसर को ठीक करने के लिए गोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल करा जा रहा है। प्रोस्टेट
कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, आपके शरीर में कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए गोल्ड का कहीं ना कहीं कंपोनेंट इक्विपमेंट में यूज़ हो रहा है, जिससे यह सारे मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं। तो गोल्ड इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ साथियों, यह जो स्वर्ण सिद्ध जल है, इसको आप अपने आभूषण डाल के बॉइल ना करिएगा, क्योंकि किसी चीज़ की एक डिग्निटी होती है। और एक जानकारी आपको दे दूं, पानी की याददाश्त होती है। आपको जान के अजीब लगेगा, लेकिन ये मेडिकली सत्य है कि पानी की याददाश्त होती है। तमाम एक्सपेरिमेंट इस पर करे गए हैं और वहाँ सफल हुए हैं। इसमें से एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम यूट्यूब पर ही देख रहे थे कि एक व्यक्ति था, उसने 3 गिलास में चावल और पानी रखा, उसमें 1 गिलास को रोज वो जो है गालियां देता था, अब्यूज़ करता था, जिसमें चावल के साथ पानी था। दूसरा गिलास था जिसको वो इग्नोर करता था, नज़रअंदाज करता था। और एक तीसरा गिलास था जिसमें चावल पानी था, उसको वह व्यक्ति प्यारी प्यारी बातें कहता था, अच्छी अच्छी बातें कहता था। जब 30 दिन बाद उसने उस ग्लासेस को निकाला, तो उसने देखा कि जिससे वो प्यारी प्यारी बातें कहता था, वह चावल बहुत अच्छी स्थिति में थे, बजाय कि बाकी 2 जो सड़ गए थे। तो दिमाग की एक याददाश्त होती है, दिमाग अपना नेचर चेंज करता है। इस पर आप यूट्यूब पे देखिएगा, एक से एक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एक्सरेज के, तमाम क्रोमेटोग्राफी के इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और यह चीज़ साबित हुई है। और हमारे पूर्वज तो इसको बहुत पहले साबित कर चुके हैं। यही पानी से, जल से मंत्र दे के श्राप दिया जा सकता था, जो कि आपने रामायण महाभारत सब में देख लिया हो। अगर पानी याददाश्त ना रखता होता, तो जिस पानी के माध्यम से छिड़क के आपको श्राप दिया गया है, वो श्राप 20 साल बाद कैसे असरदार होता, उस पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके कारण वह असरदार हुआ है। तो वाटर की मेमोरी होती है, इसलिए आप अपने ऑर्नामेंट्स को, जो कि मैं जल की इंसल्ट मानूंगा, जिसको जल के बेइज्जती मानूंगा, तो ऑर्नामेंट्स नहीं, डेडिकेटेड इसके लिए आप कोई सोने का एक बिस्किट खरीद लीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और वो सोने के बिस्किट चांदी के चेन में उस भगोने में बांध के फिर आप उसको बॉयल कर लीजिएगा, और इस पानी को रोज़ सुबह आप पी लीजिएगा। इसको आप 3 महीना पीजिएगा, फिर 2 महीने का गैप कर दीजिएगा, फिर 3 महीना पीजिएगा। आप 7-8 महीने में देखेंगे आपके शरीर की बहुत सारी विपत्तियां खत्म हो गई। मैं साथियों आपको यहाँ पे 2 बातों का भरोसा दिलाना चाहूँगा। पहली बात यह है कि आपकी सोने की मात्रा नहीं घटेगी, चाहे आप 10 साल तक इसको यूँ ही सोने पानी में रखे रहिए, आपके गोल्ड की मात्रा नहीं घटेगी। और दूसरा साथियों, आभूषण सोने के जरूर पहनिए। आभूषण लॉकर में रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से हैं, लेकिन कुछ सोना पहनना शुरू करिए। सोना पहनना बहुत लाभदायक है, गोल्ड पहनने से बहुत फायदा होता है। आज मैं हाथ में अंगूठी नहीं पहने हूँ, लेकिन बाकी वीडियोस में मैं अंगूठी पहना हूँ। आज वो बच्चा खेलने के लिए अंगूठियाँ हमारी उतार दिया, तो वो अभी हमारे पास घर पर रह गई, स्टूडियो में नहीं है। लेकिन गोल्ड पहनना बहुत अच्छा होता है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनने के बहुत फायदे हैं। आप इसको भी गूगल करिएगा, इसको करिएगा साथियों। कमेंट पोर्शन में हमको लिखिएगा आपको यह नुस्खा कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे सकें। वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।